हैं और हम लोग निकल गए हैं काशियांग जाने के लिए। और अभी अक्टूबर चल रहा है तो वेदर बहुत ही अच्छा है। अभी कल ही बारिश हुआ है तो एकदम क्लीन है। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो दिया था तो ये इसी जगह का वीडियो है। तो यहाँ से ही शुरू करते हैं काशियांग जाने के लिए और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। मुझे पता नहीं, मैं एक बार गई थी दाविल, हनुमान जो एक मूर्ति है वहाँ पे ही जाने का प्लान है। तो अभी ये जो व्यू है वो आप लोग देख लीजिए, बहुत ही सुंदर है, बहुत क्लीन है। अभी आप लोग अगर दार्जिलिंग या गैंगटॉक आने का प्लान कर रहे हो तो बेस्ट है, क्योंकि अभी वेदर एकदम अच्छा है, कभी कभी बारिश हो रहा है और व्यू बहुत अच्छा आएगा। The way your body syncopates, you're driving me crazy. नमस्ते दर्शकों, पहले तो रंजू आपको बोल चुका है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हम जहाँ से जा रहे हैं ये तीन धड़ी का रास्ता है। रोंगटोंग का वीडियो आपने बहुत बार देखे हो, अगर नहीं देखा है तो आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप देख लेना। तो कर्शियांग में एक जगह है जहाँ पे एक हनुमान जी का एक स्टैचू बना हुआ है, वहाँ पे मंदिर भी है, हम वहाँ पे जा रहे हैं। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो, जो ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का, वो है तीन दरिया का व्यू। आपके जानकारी के लिए ये मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप टॉय ट्रेन आते हो, टॉय ट्रेन से आते हो, तो आपको इस रूट से लाया जाएगा। और ये जो रूट है ये सबसे बढ़िया व्यू का रूट है। अगर आप प्लान कर रहे हो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग या कर्शियांग घूमने का, तो इस रूट से आने की कोशिश करो। बाई कार हो या बाइक हो या टॉय ट्रेन से अगर आओगे तो यहीं से आओगे। अगर प्राइवेट कार से आ रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जो ड्राइवर है उनको ये बोलिए कि हमको तीन धरिया रूट से लेके जाइए, तो आपको बढ़िया व्यू मिलेगा। और वीडियो पे बने रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे, आपको अच्छा सा व्यू दिखाते रहेंगे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं काशियांग और सामने टॉय ट्रेन भी गया तो उसका वीडियो आपने देखा है। और आते आते जो नज़ारा है वो आप देखिए, वो पीछे एक वाटरफॉल्स है, क्योंकि अभी तक बारिश हो रहा है तो वाटरफॉल्स देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और पता नहीं वो कहाँ पे है, अगर हो सके तो हम जाएंगे, पर पता नहीं कौन सा रास्ता में है, अगर जाते जाते मिला तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो पानी है, पानी का फ्लो बहुत ही अच्छा है और पूरा सफ़ेद लग रहा है। और ऊपर धूप भी है और छाव भी है, क्लाउड भी है ऊपर, पता नहीं कहाँ पे बारिश हो सकता है कहीं पे, तो ये व्यू बहुत सुंदर है। अगर आप लोग आते हो इस रास्ते से तो आप बहुत ही अच्छा एक व्यू देख पाओगे। और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड भी है, आप इधर उधर देखना, अगर आपको अच्छा कोई बर्ड मिल जाए या हॉर्नबिल मिल जाए। तो अभी चलते हैं, थोड़ा दूर अभी है, कितना किलोमीटर अभी तक है? अभी 10-15 है। अच्छा, 10-15 किलोमीटर, और पहाड़ का 10-15 मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो चलते हैं। अभी हम वो जो वाटरफॉल्स हम देख रहे थे वहाँ पे आ गए हैं, और वहाँ से एकदम पास में ही था तो ये जो वाटरफॉल्स है, अभी क्योंकि बारिश चल रहा है तो ढेर सारा पानी है, और यहाँ पे आगे भी एक वाटरफॉल्स है तो वो जब थोड़ा सा फ्लैट जगह पे है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग नहा भी रहे हैं। तो अगर आप लोग इस रास्ते से आते हो तो यहाँ पे जो व्यू है वो एंजॉय कर सकते हो, उसके साथ साथ आप नहा भी सकते हो घर से कपड़ा लेके, और आगे जो सब नहा रहे हैं आप यहाँ भी नहा सकते हो। और यहाँ का जो लोकल लोग है वो यही पानी पीते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये पानी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नदी से आता है, पहाड़ से घूम घूम के आता है, तो बहुत नेचुरल होता है और बहुत ज़्यादा साफ होता है। हम चलते चलते हमारा जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे तो अभी तक नहीं पहुँचे, जो हनुमान टेम्पल था वहाँ पे। आते आते इतना अच्छा अच्छा व्यू है कि हम लोग जहाँ भी अच्छा व्यू मिल रहा है तो रुक जा रहे हैं, पता नहीं कब पहुँचेंगे, 2:20 बाकी है, तो जाना भी है और आना भी है, देखते हैं कहाँ तक क्या पहुँचते हैं हम लोग। तो यहाँ से अभी चलते हैं और जो
हमारा डेस्टिनेशन है जहाँ हम जाने के लिए आए हैं वहाँ पे चलते हैं, क्योंकि ये जो व्यू है वो तो बहुत ही अच्छा है और देखते देखते हम लोग पहुँच ही जाएंगे। तो चलो अभी सामने जाते हैं और देखते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। बहुत ऊंचा रास्ता है, रास्ता जो है वो बहुत ख़राब है। जो पुराना बाइक है वो तो बहुत मुश्किल से आया और नया बाइक आ गया है एनफील्ड। तो अभी ऊपर चलता है। पीछे ये मूर्ति बहुत सुंदर लगता है देखने में, और यहाँ का जो व्यू है इस साइड में, ये देखो ये व्यू। धूप भी है, छाव भी है, और यहाँ पे टी गार्डन भी है, और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, आप चाहो तो यहाँ पे पूजा दे सकते हो। तो फिलहाल बजरंग बली की कृपा से हम लोग पहुंच गए हैं। ये रास्ता बहुत ज्यादा चढ़ाव था, दिक्कत हो रहा था, बट फाइनली पहुंच गए। ये बहुत ऊपर है, नीचे पूरा कर्शियंग शहर दिखता है और पूरा फॉग है। अभी तो यहाँ पे धूप आ गया है, बट पहले यहाँ पे फॉग था। ये बहुत ऊपर है, आप आ सकते हो, बट अच्छा वाला बाइक लेके आना, वरना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो जर्नी बहुत अच्छा रहा, आपने हम लोगों ने आपको बहुत बहुत अच्छा व्यू भी दिखाया, और मेनली बात ये है, ये एक साइट सीन भी होता है। अगर आप कर्शियंग ट्रिप कर रहे हो और कर्शियंग के अगर साइट सीन होए तो उसमें डाउहिल आता है, ये वाला आता है, और एक वाटरफॉल है वो भी आएगा। तो बहुत सारा चीज़ें जो आपको दिखाएगा। फिलहाल तो यही है, बोलने को कुछ नहीं है, सिर्फ आप व्यू एंजॉय कीजिए। आप लोग अगर आते हो तो मंदिर के पीछे एक रास्ता है, वहाँ पे जाना। वहाँ पे एक टी गार्डन है और वहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आता है। बहुत दूर तक है पर हम बस सामने से ही आ गए हैं, और अभी वेदर अच्छा है इसीलिए तो पूरा एकदम क्लीन है। जो फॉग है वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से हमें जाना है अभी घर। हम लोग शायद रोहिणी होके जाएंगे, कोई तो जाने के टाइम पे रोहिणी होके जाएंगे और कहीं पे कुछ खा लेंगे, क्योंकि 2:30 बज गया है तो अभी खाने का भी टाइम हो गया है। और यहाँ पे और कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बस यही देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। और हम लोग कर्शियंग भी आए थे, डाउहिल भी आए थे, तो उसका वीडियो भी है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या आई बटन में दे दूँगी, आप लोग देख सकते हो। और जो लोग दार्जिलिंग आते हो, कर्शियंग भी बहुत सारे लोग घूमते हो, कर्शियंग बहुत ही सुंदर लगता है। कर्शियंग में भी बहुत कुछ जगह है घूमने का जो भी है, तो आप लोग वो भी कर सकते हो, घूम घूम के जा सकते हो। ये जो मूर्ति है ये काफ़ी बड़े साइज़ का है, कितना फीट का है पता नहीं, पर ये काफ़ी अच्छा है। ऊपर देख रहे हैं तो फॉग क्या है, पास हो रहा है, फॉग जा रहा है, तो देख के ऐसा लग रहा है कि सर घूम रहा है मेरा ये, हाँ बादल। तो बादल जाने से आप जब देखोगे तो को लगेगा कि चक्कर आ रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने संगलाप को भी पूछा कि तुम्हें भी हो रहा है क्या, तो बोला हाँ। यहाँ पे टाइम स्लैप बहुत अच्छा लगेगा, हमने एक छोटा सा लिया है तो वो भी मैं ऐड कर दूंगी। अगर आपको कुछ भी जानना है दार्जिलिंग गैंगटॉक के बारे में या NGP स्टेशन, जो भी रिलेटेड हम लोग वीडियो बनाते हैं उन सब के बारे में आपको अगर कुछ जानना है तो कमेंट करना, मैं ज़रूर बोलूँगी। अभी तो टाइम हो गया है सब घूमने का, तो आप लोग
जल्दी जल्दी जिसका भी प्लान है जरूर आ जाइए, अभी एकदम सीजन चालू हो गया है। हाँ, ये वीडियो जो है वो ज्यादा फ्रेंड को शेयर करिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो भी लाते हैं, तो वो भी आपको होटल के बारे में, एनजीपी स्टेशन में कहाँ पे क्या मिलता है, रूम वगैरह सब कुछ हम लोग शेयर करते हैं, तो वो सभी आप जान पाओगे। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। और आपको और कोई जगह पे देखना है तो आप कमेंट कर सकते हो, या आप क्या क्या चीज़ देखना चाहते हो, कौन कौन जगह देखना चाहते हो, वो सब आप बताना, मैं कोशिश करूँगी वो सब देने के लिए। तो अभी चलते हैं नीचे और कुछ खाना खाते हैं, फिर घर भी जाना है। लास्ट जय श्री राम, जय बजरंगबली।